हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल रिगार्डिंग चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए पावर प्लांट के बारे में, जिसके बारे में दोस्तों जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो नक्शा उठाएंगे उसमें देखेंगे सीधा सीधा किधर है, वो नक्शे के ऊपर इंडिकेट किया होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर लिखा फ्रंट एलिवेशन, बैक साइड में लिखा होगा रियर एलिवेशन। ये देखिए, लिखा है रियर एलिवेशन, यहाँ पे लिखा है राइट एलिवेशन, यहाँ पे लिखा है लेफ्ट एलिवेशन। ओके दोस्तों, और देखिए नक्शा के कॉर्नर पे जो जो साइन होता है उसका साइन दिया होता है कि कौन कौन सा साइन होता है। जैसे देखिए, ये वाला साइन है किस चीज़ का है, चिंगलर 500 वाट यानी 1000 वाट। ये देखिए स्विच का निशान है, 1 गैंग 2 गैंग 3 गैंग, ये क्या है, स्विच का निशान है। चलिए खैर, ये तो आप भी देख सकते हैं, लेकिन आइए हम आपको नक्शा के बारे में समझाते हैं। जैसे देखिए, ये एक दिखा है रिसेप्शन एरिया, सही है दोस्तों। ये आपका जो ये पूरा एरिया है क्या है, रिसेप्शन एरिया। इस रिसेप्शन एरिया में क्या क्या चीज़ है, देखिए ये है, ये जो आपको हम नक्शा समझा रहे हैं ये पावर प्लांट का है, ना कि लाइट का, सही है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर तीनों चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, पावर, टीवी और टेलीफोन, सही है दोस्तों। यानी यहाँ पे पावर है, टीवी है और क्या है, टेलीफोन। यानी यहाँ पे R9 लिखा है, R9 का मतलब हो गया दोस्तों रेड कलर का वायर डालना है, उसमें नंबर कितना लगाना है, 9 नंबर। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे लिखा है H रेशियो दे के 45, यानी H दे के रेशियो दे के लिखा 45। इसका मतलब है कि जो हम यहाँ पे पावर, टीवी, टेलीफोन का जो सॉकेट लगाएंगे उसका हाइट कितना होना चाहिए, 45। यानी जो फिनिशिंग लेवल तक, यानी टाइल्स वल्स कासी उसी लगने के बाद जो हमारा हाइट होगा कितना होगा दोस्तों, 45। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और, यहाँ पे तीन तरह का निशान दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक कलर का छोटा छोटा तीन तरह का बिंदु है, ये किस चीज़ का निशान है दोस्तों। यानी यहाँ पे एक ऊपर में दोस्तों सॉकेट है, यानी ये सॉकेट का नक्शा है, सिंबल है। यानी ये किस चीज़ का सिंबल है दोस्तों, ये सॉकेट जो होता है दोस्तों उसका सिंबल है। अब आगे देखिए, आगे देखिए यहाँ पे एक सॉकेट है, इसका हाइट कितना है, 45। सेम आपका जो भी एक रूम के अंदर सॉकेट होगा उसका हाइट, पूरे रूम के अंदर का हाइट जितना भी होगा सेम होगा, फिनिशिंग लेवल 45। आपको जहाँ भी आपको सॉकेट मिलेंगे दोस्तों वो सेम एक ही लेवल में मिलेंगे, उसके साइज होंगे फिनिशिंग लेवल 45। आगे देखिए, आगे यहाँ से लूप आया, फिर यहाँ तक आ गए, यहाँ पे क्या है, फिर पावर, टीवी और टेलीफोन। दोस्तों देखिए, अभी आपको सिंबल बताया था कि सिंबल जो सॉकेट का सिंबल होता है, अगर वहाँ पे देखिए यहाँ पे दो सिंबल एक ही में है, यानी ये डबल सॉकेट का सिंबल है। सिंगल सॉकेट एक ऐसा दिखाई देगा, देखिए सिंगल सॉकेट आपको इस तरह का दिखाई देगा, सही है दोस्तों, सिंगल सॉकेट इस तरह का दिखाई देगा, लेकिन उसी के साथ दो होगा तो आपको समझना है कि वो डबल सॉकेट है। ओके दोस्तों, यानी अब देखिए यहाँ पे लिखा है H 120, या H रेशियो 120, यानी यहाँ पे जो पावर, टीवी, टेलीफोन का जो हाइट दिया है वो कितना है, 120। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे है H45, देखिए यहाँ पे भी एक सॉकेट है जिसका हाइट कितना है, 45। यानी जो हाइट होगा दोस्तों वो फिनिशिंग लेवल होगा, यानी टाइल्स वायल्स कासी उसी लगने के बाद जो हमारा हाइट आना चाहिए कितना आना चाहिए, 45। अब देखिए यहाँ पे लिखा है R10, यानी यहाँ पे हम रेड कलर का वायर डालेंगे, उस पर नंबर कितना लगाएंगे, 10 नंबर। ये नंबर वाला अगर कन्फ्यूजन आता होगा तो दोस्तों हम अगले फिर कभी वीडियो में समझाएंगे कि ये क्या चीज़ है। ये एक नंबर हमारी वायर की पहचान के लिए होता है, जिसके लिए हम फेरूल यूज करते हैं, नंबर की पहचान के लिए लगाते हैं कि कौन सा वायर कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, इस तरह की पहचान के लिए। ओके दोस्तों, अब आते हैं, देखिए यहाँ पे भी H45 है। आगे देखिए यहाँ से फिर यहाँ पे एक सॉकेट है, सही है दोस्तों, यहाँ पे एक सॉकेट है, यानी इस सॉकेट का हाइट कितना है, सेम ये वाले सॉकेट का हाइट 45 है। फिर आगे बढ़ते हैं, पावर, टीवी, टेलीफोन तीनों है, इसका हाइट कितना है, 120। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका हाइट कितना है, 45। ओके दोस्तों, फिर यहाँ पे एक सॉकेट है, इसका हाइट कितना है, 45।
समझ गए दोस्तों, यानी नक्शे के अकॉर्डिंग जितना भी हमारा हाइट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, लेकिन एक जनरल हाइट जो होता है 45 होता है, यानी फिनिशिंग लेवल जो होगा आप दोस्तों वो हमारा कितना होगा 45। ओके दोस्तों, यानी इस हॉल में देखिए आपको दो तरह के नंबर मिले, एक R9 मिला एक R10 मिला। अब इसका एक साइड का तो R10 मिला, अब ये दूसरा छोर किधर गया हुआ है, यहाँ पे देखिए कितना सॉकेट है, एक दो, यहाँ पे डबल सॉकेट, दो दो चार, चार एक पाँच, पाँच और एक छः, यानी ये छः सॉकेट है दोस्तों। सही है दोस्तों, जब छः सॉकेट है तो जाहिर सी बात है छः सॉकेट होगा तो रिंग सर्किट होगा। ओके दोस्तों, छः सॉकेट होगा तो रिंग सॉकेट होगा। रिंग सर्किट के लिए हम दो मेन का यूज करते हैं, दो मेन का यूज करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया कि दो मेन का यूज क्यों करते हैं, ताकि अगर कभी एक मेन अगर किसी कारण खराब भी हो जाए, जल जाए किसी कारण, तो एक दूसरे मेन से हमारा काम चल सकता है। यहाँ पे जैसे दोस्तों इस तरह R9, इसका भी देखिए कितना सॉकेट है, दो तीन, तीन दो पाँच, पाँच एक यहाँ है, पाँच एक छः। अब देखिए यहाँ पे जो सॉकेट है दोस्तों इसका हाइट कितना दिया है, 155। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो पावर का जो हाइट दिया है वन कितना दिया है, 120, यानी यहाँ पे के लिए जो हम बॉक्स लगाएंगे, GI का जो बॉक्स यूज करेंगे उसको कितना हाइट पे लगाएंगे, एक 155। ओके चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से इंटर करते हैं, यहाँ पे अर्च हो गया एंट्रेंस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक सॉकेट है जिसका हाइट कितना दिया है, 120। ओके दोस्तों, अब आगे यहाँ इधर आते हैं, इस साइड देखिए, इस साइड किचन के अंदर आ गए, किचन के अंदर देखिए, किचन के अंदर यहाँ पे अब देखिए आगे देखिए, ये सॉकेट हो गया, ये सॉकेट हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों WH लिखा होगा, गौर से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए आपको WH मिला होगा, लिखा मिलेगा, यानी ये WH क्या है, वाटर हीटर, वाटर हीटर B17 लिखा है दोस्तों। देखिए ध्यान से थोड़ा देखिए, यहाँ देखिए WH लिख के B17 लिखा है, यानी WH का मतलब यहाँ पे वाटर हीटर है, जो ब्लू कलर का वायर है उस पर नंबर कितना लगाना है, 17। ओके दोस्तों, यानी ये वाटर हीटर है इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे वाटर हीटर है। कहाँ है दोस्तों, सीलिंग पे, अंदर सीलिंग पे टंगा हुआ है वाटर हीटर, जिसको B17 है। B17 का मतलब होता है दोस्तों ब्लू कलर का वायर है, उसमें कौन नंबर कितना लगाया हुआ है, 17 नंबर, 17, यानी ब्लू कलर का वायर 17। ओके दोस्तों, अब वाटर हीटर है तो आपके मन में खुद आ जाना चाहिए कि वाटर हीटर के लिए कौन सा MM का वायर यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्यों, हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया है कि वाटर हीटर के लिए 4 MM का वायर यूज करते हैं, और लाइट के लिए 2.5 MM का, पावर के लिए 4 MM का, यानी पावर के लिए 4 MM का, वाटर हीटर के लिए 4 MM का। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखिए यानी B12 लिखा है, यानी B12 का मतलब ब्लू कलर का वायर डालना है, उस पर नंबर कितना लगाना है, 12। अब देखिए यह कहाँ, यहाँ सॉकेट है, एक यहाँ सॉकेट है, एक 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 इधर सॉकेट है, ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों अलग है। ओके दोस्तों, यानी इस पे 12 नंबर है, ये 11 नंबर है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है FCU, FCU के बारे में हमने पहले कुछ बताया था, FCU का फुल नेम क्या होता है, फैन कॉन्सील्ड बॉक्स यूनिट, यानी एक मशीन होता है AC वाले का, जो हमारा टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए FCU का यूज किया जाता है, वो AC का मशीन होता है, उसके लिए हमें यहाँ पे एक पावर देना है, यानी हमारा एक सॉकेट चाहिए ऊपर में, सीलिंग में, छत पे, छत से उसको क्या चाहिए दोस्तों, पावर चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए ये यहाँ आ गया स्टोर, यहाँ स्टोर। ओके दोस्तों, स्टोर, अब देखिए यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखिए दोस्तों थोड़ा, SMDB F1 लिखा है, यानी सम DB लिखा है फर्स्ट फ्लोर, सम DB F1, SMDB F1 का मतलब होता है सम DB फर्स्ट फ्लोर। ओके दोस्तों, F1 मतलब फ्लैट वन, SMDB मतलब सम DB फ्लैट नंबर वन। ओके दोस्तों, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे येलो 13 लिखा है,
यानी येलो कलर का वायर चाहिए, नंबर कितना लगाना है 13। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखिए दोस्तों, ये ब्लैक कलर का ये जो डब्बा जैसा दिख रहा है, आधा भरा है आधा खाली है, ये हमारा डीबी का सिंबल है। ये दोस्तों हमारे डीबी का सिंबल है, डीबी जो होता है ना दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, उसी का सिंबल है ये देखिए, यानी ये देखिए। अब इस पर लिखा होगा दोस्तों ये डीबी का सिंबल है, ये थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है डीबी, डीबी लिखा है एसी दोस्तों, डीबी लिखा है यहाँ पे टीबी, यानी डीबी एसी है, उसके बाद टीबी का बॉक्स है, उसके बाद डीबी F1 यानी फ्लैट वन का डीबी है, उसके बाद येलो 13, यानी यहाँ पे ये जो आपका डीबी का सिंबल दिख रहा है ये एसी का है। फिर यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है ब्लैक कलर का, राउंड किया हुआ ब्लैक कलर का चारों तरफ से जो दिखा रहा है वो टीबी का है। टीबी का बॉक्स जो दिखाए थे दोस्तों पिछले वीडियो में, उसी तरह ये टीबी का बॉक्स है, उसके बाद यहाँ पे टीबी F2, डीबी F1, यानी डीबी F1 मतलब डीबी है, फ्लैट वन का डीबी है दोस्तों, ये क्या है एसी का डीबी है, यानी दोनों डीबी, दो डीबी है इस फ्लैट में, दो डीबी है, एसी के लिए डीबी अलग लगा है और लाइट पावर के लिए डीबी अलग लगा है, समझ गए दोस्तों। बस इसी तरह का धीरे धीरे आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझते समझते आपको, उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे इस तरह के नक्शे मिलेंगे जो धीरे धीरे आपको फिर से समझ में आने लगेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन तक भी ये सब वीडियो पहुँचे, उन्हें भी कुछ सीखने को मिल जाए। आपकी वजह से अगर किसी का भला होता है तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि हाँ उन तक भी पहुँच जाए ये वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।